हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जो ये क्लासेस है, जैसे कि आप जानते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के लिए चल रही है। देखो, आज का हमारा टॉपिक है स्लॉग्स। देखो, स्लॉग्स करेंगे और इसका पार्ट नंबर 1 है, मतलब आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। देखो, और ये क्लास नंबर 5 है, मतलब इससे पहले 4 क्लासेस हो चुके हैं। देख लेना, अगर देखना चाहो तो इससे पहले आपके लिए बेनिफिशियल काफी होगी। देखो, स्लॉग्स में होता है, काफी स्टूडेंट को ना बहुत प्रॉब्लम होती है, बल्कि ये जो टॉपिक है ना स्लॉग्स का, आपका बहुत ही छोटा है और बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप इस तरीके से करोगे, जिस तरीके से मैं बताऊंगा आगे, तो क्या करोगे, मतलब क्या होगा, इससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, रीजनिंग सेक्शन में कई बार मैंने पूरे में से पूरे स्कोर करे हैं, तो मुझे पता है किस तरीके से कॉन्सेप्ट है। आप इस पर डाउट मत करना, आप करके देखना जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और फिर एग्जाम देना, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, करते हैं हम इसको स्टार्ट। क्या है इस खास में, मतलब क्लास में, उससे पहले आपको ये भी पता है, देखो 100+ पजल करवा रहा हूँ मैं इसके अंदर, बैंक पीओ और क्लर्क के लिए। ये प्री ओरिएंटेड क्लास है सारी, मतलब प्री के लेवल मिलेगा, प्री से लेवल इससे नीचे नहीं आएगा। इसमें प्री में, मतलब प्री में जो भी बन सकता है और उससे प्लस, बस इतना ही है। तो ये क्या करना है, यूट्यूब चैनल पे जाना, पजल नाम का एक वो बना होगा प्ले लिस्ट, वहां पे जाओगे तो क्या कहते हैं 60 शायद 65 से प्लस क्लासेस मिल जाएंगे ऊपर। देख लेना इनको, अगर आप मतलब पजल में काफी वीक हो, जीरो से है, मतलब कि इसमें कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे आपको, और फिर मतलब इस तरीके से पहले कॉन्सेप्ट, फिर पजल, कॉन्सेप्ट और क्या क्या पजल है। जैसे कि मैंने सर्कल की करवाई थी, तो पहले कॉन्सेप्ट से चला के 12-13 क्लास, फ्लोर की करवाई थी इस तरीके से, फिर उसके बाद मैंने मिक्स चालू करवा दी थी। ठीक है, मतलब कि आज, जैसे कि आज फ्लोर करवा, मतलब कि आज फ्लैट करा दी, फ्लैट फ्लोर, फिर अगले दिन क्या करा, मंथ वाली करवा दी, फिर क्या करा, मगर उसमें कॉन्सेप्ट पूरे हैं, देख लेना इसको। तो चलो करते हैं ये। देखो, मैं सबसे पहले ना स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बताऊंगा इसके बारे में, वो जरा ध्यान रख लोगे ना पूरा स्लॉग्स कवर हो जाएगा। देखो, इसमें 4 स्टेटमेंट होती है सिर्फ। पहला स्टेटमेंट आप सब लोगों को पता है, ऑल ए आर बी। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा सबको पता है। अगर मैं देखो ऐसे बना दूं ये डायग्राम, तो सब कह देंगे ये तो गलत है। ठीक है, पता है इसलिए ना, किसी ना किसी ने बताया होगा। तो इस तरीके से बनता है, देखो ऑल ए आर बी, मतलब क्या होता है, जो ऑल के बाद एलिमेंट लिखा रहता है ना वेरिएबल, उसको छोटा सर्कल बनाते हैं और उसको पूरा कर देते हैं किसके अंदर, बड़े वाले में जो बाद में लिखा रहता है। ये पहली स्टेटमेंट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो इसका भी आप सबको पता है, ये तो कर ही रहे हो शुरू से इस तरीके से। कुछ ए भी है तो आते हो क्या, कुछ ए भी है वाला पोर्शन। और देखो अगली कौन सा पॉइंट होता है हमारा, 4 स्टेटमेंट मेन होती है, बाकी तो देखो क्या ही है, वो तो उसी का रूप होता है, मगर मैं समझा दूंगा। फोर्थ है देखो नो ए इज बी, इसका मतलब है कोई भी ए बी नहीं है। तो इस तरीके से तो बनाते हो, कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा, तो 100% पता होता है इसके अंदर दोनों तरफ से। तो मैं 2 एरो लगा देता हूँ, मतलब यहाँ से भी फुल नेगेटिव, यहाँ से भी फुल नेगेटिव। और लास्ट वन है फोर्थ में सम ए इज नॉट बी। आप देखो इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, पर क्लियर हो जाएगा। देखो सम ए मतलब ए का कुछ पार्ट, कोई सा भी पार्ट हो सकता है, वो बी नहीं है। तो देखो इसमें ना नेगेटिव हमेशा वन साइडेड होता है, आप 2 से मत लेना। अगर आप अपना लॉजिक मत लगाना कि कुछ ए बी नहीं है तो कुछ, मतलब कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी ए नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। देखो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो सम ए इज नॉट बी इस तरीके से। अगर देखो मैं इसको चेंज कर दूं इस तरीके से, बताना ये सही या गलत है। ये ए लिया, कुछ ए बी नहीं है, बताओ ये सही हुआ नहीं हुआ। आप कैसे कह दोगे कुछ बी ए नहीं है, मैंने तो ए के बारे में बोला ना बी से, देखो बी तो पूरा का पूरा आ गया ए के अंदर, तब भी तो हमारा सही बन गया, कुछ ए वाला पार्ट बी नहीं है। तो देखो सही होता है, मगर इस तरह के डायग्राम मत बनाना, ये डायग्राम मैंने समझाने के लिए लिखा था इस तरीके से। देखो ये 4 स्लॉट्स, मतलब 4 कॉन्सेप्ट इसी पे पूरा आपका क्या कहते हैं, पूरा इसी के अंदर पूरा मतलब स्लॉट्स होता है। अब देखो मैं कुछ एडिशनल बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे आजकल जो ट्रेंड पे बने हैं ये। देखो सबसे पहले आपको पता होगा, पहले ये मानो फ्यू ए इज बी। देखो फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का अगर मतलब निकालो तो कुछ होता है, कुछ ए बी है, तो ऐसी डायग्राम बनेगा। फ्यू का मतलब होता है इस तरीके से लिख लेना सम। अब क्या होता है आजकल, देखो इस तरीके से आ रहा है ओनली आ फ्यू, मतलब कुछ ए बी है, तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो फ्यू के आगे कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सम ही रहता है, याद रख लेना। अगर पूरे नंबर लाने हैं तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। और अब देखो एक लॉजिक और चलता है, ओनली ए इज बी, ये भी तो चल रहा है आजकल,
ओनली ए बी, देखो ओनली ए बी को कैसे करना होता है, ओनली ए बी को हम रीड इस तरीके से करते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं, ऑल बी इज ए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ओनली ए बी कह लो या ऑल ए, ऑल बी इज ए, तो क्या करोगे, ओनली ए बी लिखा था, ओनली के साथ जो लिखा रहता है वेरिएबल, उस वहां से स्टार्ट मत करो, लास्ट से करो, यहाँ लिख दो ऑल ए इज बी, तो मैंने बताया ओनली या ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी इज ए, ये हमेशा याद रखना। तो इसका देखो ऑल वाला मैंने कौन सा बताया था, ऑल के बाद जो वेरिएबल लिखा छोटा सर्कल, ये बड़ा, तो देखो इसमें दिक्कत मत करना कि ये होता है, अगर मैं इसमें देखो गलत करना चाहूँ यहीं पर कर सकता हूँ, देखो ये सम है ना, सम सम ए आर बी, तो बताओ ये गलत है सही है, बिल्कुल सही है, कौन कहता है गलत है, सम ए आर बी तो कुछ ए बी तो है, और भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सम फिर भी तो हो गया। तो देखो ऐसे डायग्राम पर बनाना जैसे ही अपने तरफ से, ये देखो फिर ये क्या हो जाता है, फिर ऑल बी हो जाता है, तो ऑल बी ए हो गया, सम ए बी ए बना रहे तो फिर अंतर ही क्या रहेगा। तो देखो जो चार डायग्राम बताए ना, चार पांच, देखो ऑल का हमेशा ऐसे बनाना, सम का ऐसे बनाना, नौ का तो ये देखो इसमें कोई नहीं पूछता क्योंकि इसमें ना सबको आता है, जो नए डायग्राम आए उसमें सब परेशान है, तो क्या करना उनको मत देखना, मतलब कि जो बताया वही करना, क्योंकि देखो ये भी आपको किसी ना किसी ने पहले बताए होंगे तभी तो याद हुए हैं, नहीं तो ऑल ए आर बी, देखो और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये देखो ए मैंने लिया और इसी के ऊपर बी फ्रेम कर दिया, देखो बिल्कुल बिल्कुल इसी के ऊपर बी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, मतलब ए का सर्कल पूरा लिया उसी के ऊपर बी कर दो तो ये भी तो सही है, ओले बी पर क्यों नहीं लेते, क्योंकि तो बताया होगा किसी ने, ठीक है ना, अब जिसने बताया ठीक ही बताया होगा, तो वो यहाँ पर क्या करना है, ये चार डायग्राम बिल्कुल ये वाले लेना, ये एक दो तीन चार, और देखो पांच छठा ये जो मैं नया बता रहा हूँ ना, ये ओनली अ फ्यू वाला भी, ये भी यही लेना, तभी आप थोड़ा मार्क्स कर पाओगे, नहीं तो फिर गलत होता रहेगा हर बार, और ओनली ए बी तो इस तरीके से करना, ऑल बी इज ए करके, तो ये डायग्राम इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चंस पे चलते हैं, अगर ये मतलब आप सीख गए ना तो सारा आ जाएगा, बाकी देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी आएंगे वो मैं क्वेश्चन के साथ बता दूंगा यहाँ पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पॉसिबिलिटी का बता देता हूँ, पॉसिबिलिटी होती क्या है, स्टार्ट करने से पहले जब कर रहे हैं तो उसको भी कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखो एक सर्कल यहाँ पर है, वेरिएबल कह लो उसको ए, दूसरा वेरिएबल यहाँ पर है, तीसरा वेरिएबल यहाँ पर है, चौथा वेरिएबल यहाँ पर है, तो देखो क्या होता है, कोई भी दो मतलब कि सर्कल या वेरिएबल सर्कल मानो, ये सर्कल यहाँ पर है और ये सर्कल यहाँ पर है, बहुत दूर दूर है, कोई रिलेशन दे रखा है इनके बीच में, कोई नहीं है, तो आप क्या कहोगे, डेफिनेट में पूछ लेना, तो कहोगे मुझे नहीं पता, नहीं पता का मतलब होता है सिग्नली, ठीक है गलत करते हो, पर अगर मान लो पॉसिबिलिटी में पूछे, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, तो पूछे कुछ भी पूछे, ए से डी के बारे में पूछे, देखो जो भी दो सर्कल इजी याद करो, दूर दूर है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, उसके बारे में पॉसिबिलिटी पूछ लेता है ना, पॉसिबिलिटी, तो चारों पॉसिबिलिटी दूर सही हो जाती है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, डेफिनेट की नहीं, कौन सी होगी, ऑल की, सम की, यही तो होते हैं, सम नॉट की, और एक और बचा कौन सा, ऑल सम नॉट और नो की, ये सारी सही होगी, ए सी डी के बारे में पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, तो चारों कर देना आप बंद करके, बिल्कुल सही, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला सम पी आर टी, तो देखो अभी मैंने बताया था सम का कैसे करना है, किसी को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सारा पड़ा हुआ है, सम पी आर टी, ठीक है, तो गलत किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑल टी, तो ऑल के बाद क्या लिखा है, टी लिखा है, तो ये छोटा सर्कल होगा किसमें, क्यू में, इस तरीके से तो बनेगा ऑल टी। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सम टी इज पी, क्या कहता है, कुछ टी यहाँ पर कर लेते हैं, देखो कुछ टी क्या पी है, बिल्कुल आ रहा है, देखो सम टी इज पी आई तो रहा है, ये पी का कुछ पार्ट टी के पास है, बिल्कुल सही है। अगला पूछता है देखो सम क्यू इज पी, क्या आंसर दोगे, क्या होना चाहिए इसका आंसर बताओ, एक मिनट आगे बढ़ गया, देखो सम क्यू इज पी क्या होगा, देखो कुछ क्यू पी है, देखो इसमें ना हमें डेफिनेट का आंसर पता है, देखो ये वाला क्यू पी आई रहा है ऑलरेडी, जो भी आंसर डेफिनेट में पता होता है, डेफिनेट में बोल रहा है कुछ पी, पहले इतना पढ़ो सम क्यू इज पी, पॉसिबिलिटी से पहले सम क्यू पी, देखो क्यू पी के बारे में तो हमें पता है ना एक्चुअल में, मतलब 100% ये तो सही है, जो चीज सही है जो हमें पहले पता है वो चीज पॉसिबिलिटी लगा के पूछ रहा तो क्या कर दूंगा गलत, तो सम क्यू इज पी पूछेगा तो गलत हो जाएगा, ये मत सोचना ये वाला सम ले रहे हो, ये ऐसे मत करना, क्योंकि तो सम एक बार ही काउंट होता है, वो सम नोड में काउंट होता है, वो आगे भी बताऊंगा, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज गलत,
आगे ये देखो, अभी आप क्वेश्चन करेंगे ना इससे ज्यादा और समझ आएगा। देखो ये डायग्राम बना दिया मैंने आपके लिए, देख लेना और आंसर भी लिख लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ऑल एम आर एन, तो देखो अभी पढ़ा था एम के बाद जो वेरिएबल लिखा है उसको ऐसे बनाओ, छोटा सर्कल उसको छोटे सर्कल को अंदर कर दो बड़े में इस तरीके से, और कह रहा नो एन इज टी। अब देखो नो एन इज टी, देखो पहला बोलता है ऑल एम आर टी, कह रहा कि सारे एम टी है। देखो पहले डेफिनेट में पूछा, किस में पूछा है डेफिनेट में, पर डेफिनेट में तो मुझे पता है ना एम ओ टी के बारे में, कभी भी जब देखो एम का सर्कल एन के मतलब एम एन एम का सर्कल एन में है और एन नेगेटिव बाहर से हो गया तो एम कैसे होगा, कभी पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब जो चीज पता है अगर डेफिनेट में पूछता है तो गलती होगी, पॉसिबिलिटी में पूछता फिर भी गलत होगी, क्योंकि देखो पता तो मुझे ये कोई भी एन एम टी नहीं है, मगर इसने पूछ लिया ऑल एम टी तो मुझे तो पता है तो ये गलत कर दूंगा। अगला बोल रहा सम एन आर नॉट टी, देखो सम एन आर नॉट टी, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है वैसे। देखो अगर जब पूरा ही एन टी नहीं है तो उसका कुछ पार्ट तो अपने आप नहीं बना ऑटोमेटिकली। देखो इस तरीके से जैसे कि मान लो ये ए और बी नहीं है, पूरा नेगेटिव है, तो अब इसमें पूरा नेगेटिव है तो आधा भी तो नेगेटिव होगा, तो दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला गलत, कंफ्यूजन सेकंड कर देना ट्रू। आप देखो ओनली अ फ्यू आ गया ना, क्या करना है जो मैंने बताया उसी तरीके से करोगे तो सही रहेगा। देखो फ्यू के आगे, फ्यू के आगे कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम सम ही ट्रीट करते हैं। तो पहले ओनली अ फ्यू मतलब कि ओनली अ फ्यू मतलब सम ही होता है, अभी बताया था, तो और इसको सम ट्रीट करोगे सम ए इज बी सम बी इज, गलत हो गया सो दोबारा बनाता हूँ। सम ए इज बी ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम, और सम बी इज सी। आप देखो ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, नो ए सी, कह रहा है कोई भी एसी नहीं है, आप कहोगे ये सर्कल दूर है ये दूर है ना, ये सर्कल दूर है तो इनके दूरी में है और ये डेफिनेट में पूछा है तो मैं क्या करूंगा सी एन डी, सी एन डी का मतलब क्या होता है गलत। आप बोल रहा है एट लीस्ट, देखो एट लीस्ट का मतलब भी देखो सम से पहले एट लीस्ट लगा तो वो भी सम ही होता है, सम के पहले कुछ भी लगा दूंगा ना जैसे, तो अभी देखो फ्यू का मतलब भी तो सम होता है, फ्यू के पहले क्या लगाया था ओनली, कोई दिक्कत नहीं, और सम के पहले एट लीस्ट लगा तो सम रहेगा, सम ए सी, आप क्या कहोगे नहीं पता वो गलत कर दो। पर देखो एक मैंने केस शायद आइदर ओर का बताया नहीं, अब सीख लेते हैं आइदर ओर केस क्या कहता है, यहाँ पे लिख देता हूँ आइदर ओर केस कहता है दो स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव या वाइस वर्सा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली नेगेटिव दे दूसरी पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, ठीक है। और पहली मतलब कि पहली दूसरी से मतलब आगे पीछे कर लेना, मैं यही बार लिख रहा हूँ, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव या उल्टा भी कर सकते हो, एक एक जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो 100% वाली होनी चाहिए, यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन, पूरा लिख लेना आ नहीं रहा, फुल इन्फॉर्मेशन, और सेकंड में पता होना चाहिए हाफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सम पता होना चाहिए, सम पता होना चाहिए मतलब हाफ मतलब कह लो 100% से कम पता होना चाहिए। देखो अब मैं स्टेटमेंट पे चलता हूँ, थोड़ा आगे चल लेते हैं, कोई नहीं यहाँ पर कर लेता हूँ। देखो क्या होता है, देखो हमारे पास जो 100 स्टेटमेंट होते हैं मतलब कि जो फुल इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो ऑल में तो पता चलता है फुल इन्फॉर्मेशन और एक नो में पता चलता है, तो इनको कहते हैं 100% वाली इन्फॉर्मेशन जिसमें मेरे को 100% पता है, और एक होती है सम मतलब कि कुछ, एक होती है सम नो, इसमें कितना पता होता है कुछ पता होता है तो 50 मान लो उसको, 50 से 99% तक होता है, मतलब मान लो 100 से कम है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो इस दोबारा बताता हूँ, अभी देखो प्रीवियस में चलते हैं, यहीं पर लिख रखा था ना, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए पॉजिटिव, एक होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहली कंडीशन ये कहलाती है। देखो पहला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ध्यान रखना, और एक के बारे में 100% पता होना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है, और एक के बारे में पता होना चाहिए कम मतलब कि 100 से कम, 100 से कम होता है कौन सा वाला सम और सम नो, 100 वाले कौन सा वाला ऑल और नो। और देखो क्या होता है, देखो जो वेरिएबल होते हैं ना, देखो इसका जो पहला वाला वेरिएबल होता है जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां एंड हो रहा है, पहला और दूसरा वो वेरिएबल सेम होनी चाहिए, सेम समझते हो, लगा अगर ए की बात करिए तो ए से ही स्टार्ट होनी चाहिए, इधर सी पे खत्म हो रही है तो सी पर, तो ये कंडीशन मैच करो। आप देखो मैं मैच करता हूँ, देखो नो ए इज बी, तो पहले मैं क्या देखूंगा, मुझे क्या कहते हैं 100% पता है, कहोगे बिल्कुल 100% पता है इसके अंदर, और दूसरे में क्या एट लीस्ट मतलब सम ए इज बी,
तो 100% से कम पता है? बिल्कुल है, मतलब 100% से कम होना चाहिए। ठीक है, पहली पॉजिटिव या नेगेटिव है? नहीं, ये नेगेटिव है। और दूसरी पॉजिटिव है? बिल्कुल है। और तीसरा क्या रहा था? एक एलिमेंट जिससे खत्म हो रहा है, उससे शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, उससे, तो तीनों कंडीशन मिल गई ना, तो क्या लगाओगे इसके? आइदर और लगा देना, खत्म हो जाएगा आंसर। ये आइदर और का केसेस को लिख लेना, और नहीं समझ आए तो दोबारा देख लेना वीडियो को। अब देखो यहाँ पर चलता हूँ, ओनली बी इज डी, देखो वही आ गया जो मैंने समझाया था। देखो ओनली बी इज डी कभी भी आए ना तो उसको अपने आप से लिख लेना, ये बराबर होता है जो बाद का एलिमेंट होता है। पहले ऑल लिखो, सबसे बाद का एलिमेंट लिखो, ऑल डी इज बी, इस तरीके से लिख लेना। आप देखो ये कौन सी ऑल कंडीशन बन गई, तो ऑल डी मतलब की है, इस तरीके से बनेगा, अभी बताया था। और लास्ट वाला कौन सा? नो डी इज बी, देखो अंदर से नेगेटिव है, नो डी इज के, ठीक है, बाहर से नहीं है। अब देखो कंक्लूजन पे चलते हैं, क्या बोलता है? सम बी इज नॉट के, देखो ध्यान से, सम बी मतलब कुछ बी के नहीं, आप देखोगे बी तो पूरा ही है और बी में तो डी भी तो आ गया, इस तरीके से देखो सम बी, ये वाला ये बी का ही तो पार्ट है, वो के नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है। अब बोल रहा है ऑल के बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, अब देखो स्टूडेंट गलत कर देंगे, सरकार कह रहा है कि सारे के क्या बी हो सकते हैं? देखो क्या करना है, हमें नेगेटिव किस किस से पता है? डी से पता है ना के का 100%, पर देखो इससे और इसका नेगेटिव नहीं पता ना, तो मैंने क्या बताया था? दो, देखो दोबारा ध्यान देना, ये डी और के का मुझे पता है, बी और के बारे में कुछ नहीं पता, दो वेरिएबल के बारे में कुछ ना पता हो पर पॉसिबिलिटी बन जाए तो क्या करना, उसको बिल्कुल सही कर देना, ये पॉसिबिलिटी आ गई सही। देखो इसका रीजन क्या है, रीजन जानोगे तो बहुत दिक्कत होगी, पर मैं बता देता हूँ, ऐसे रीजन नहीं तो हमें मार्क्स लाने हैं, इस तरीके से भी तो कर सकता हूँ उसको, ऐसे बना बना के मत देखना, मैंने समझाने के लिए कर दिया। देखो क्या लिखा है, ऑल डी बी और कोई भी डी बी नहीं है, तो ये देखो के ऑटोमेटिकली बंद हो गया बी के अंदर पूरा, तो इस तरीके से भी देख सकते हो, पर देखना मत, ये समझ लेना। तो उसमें कौन सा, दोनों सही होंगे ना, दोनों सही होंगे ना, दोनों सही आंसर दे रखा, देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो अभी तो जीरो लेवल ही चल रहा है सारा ही, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, पर लॉजिकल है सारे। देखो क्या बोल रहा है, सम आर इज डी, पता है सम का ऐसी बनता है, ये देखो, और कह रहा नो टी इज के, इससे नेगेटिव है। आप देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, ऑल के बीइंग आर इज पॉसिबिलिटी, कह रहा है जितने भी के हैं ये वाले के, क्या ये आर के पास जा सकते, आप होगे क्या होगे? मुझे तो रिलेशन टी और के का ही पता है, समझ रहे हो, मुझे तो टी और के का ही पता है कि टी और के बारे में पता, मुझे और किसी के बारे में नहीं पता, जब टी और के बारे में नेगेटिव है मुझे पता है, पर तो आर और के का तो कोई रोल नहीं रहा ना। अब देखो ये ध्यान देना, ये आर के से पूछ रहा है, के से, के क्या आर के पास जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, पॉसिबिलिटी में, इस तरीके से बना लोगे ना, देखो अभी बताया था, ये भी तो सही हो गया, ठीक है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी लोग क्या करते हैं, गलत करके आते हैं, ऑल आर इज के इज पॉसिबिलिटी, अब कह रहा है कि सारे आर क्या के बन सकते हैं, ध्यान से देना। देखो चेंज करता हूँ कलर, पेन का कलर चेंज करता हूँ, फिर थोड़ा समझ आएगा। ये देखो जरा ध्यान से देखना, ये देखो सम आर इज टी क्या है, कॉमन है, समझ रहे हो, और कह रहा था कोई भी टी के नहीं होना चाहिए, तो कितना भी कोशिश कर लो ये वाला पार्ट क्या इधर जा सकता है, कैसे जाएगा? देखो ये पार्ट तो दोनों के पास कॉमन है, आर के पास भी कॉमन है, टी के पास भी। अब इसने पूछा यहाँ से कि पूरे टी क्या के हो सकते, कभी नहीं हो सकते, देखो कितना भी कोशिश कर लो सिर्फ ये वाला पार्ट जाएगा, ये वाला रेड कर रहा हूँ ये नहीं जाएगा। तो देखो पॉसिबिलिटी में से ऑल की पूछी है, ऑल आर के, तो कभी भी ऑल आर के नहीं होगा, ये ध्यान देना होता है, ठीक है। यहाँ से तो देखो पूरा चलेगा, पर यहाँ से ऊपर से ऑल की पॉसिबिलिटी गलत है, बाकी सम की होती ना तो सम की सही हो जाती, और भी हम ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि अभी तो जीरो लेवल चल रहा है, करेंगे इसकी कई बार तो समझ आ जाएगा। तो उसमें देखो वन वाला सही होगा, सेकंड वाला गलत है, बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, सम पी इज क्यू, बना लो डायग्राम, ये तो आता ही है सबको। और बोल रहा है ऑल डी, ऑल के बाद जो वेरिएबल लिखा है वो छोटे सर्कल में हो जाएगा और बड़ा क्यू। अब कह रहा है सम पी इज पी, कह रहा है कुछ टी, सारी क्वेश्चन कर चुके हैं क्या पहले, कोई बात नहीं दोबारा कर लेते, क्या पता लो, कह रहा है सम टी इज पी, देखोगे कुछ टी पी, हाँ कॉमन, बिल्कुल बात सही है। और बोल रहा है सम क्यू इज पी, हाँ ये भी तो बात सही है, सम क्यू इज पी होगा ना, इज पॉसिबिलिटी, देखो मैंने पूरा नहीं पढ़ा तो वो मैंने भी गलत कर दिया, क्या बोल रहा है सम क्यू इज पी पॉसिबिलिटी, देखो डेफिनेट में पता है कि पहले से क्यू और पी कुछ पार्ट सही है सम के, फिर इसी में पॉसिबिलिटी लगा के पूछ लेता है, जो चीज मुझे पहले पता है उसके साथ पॉसिबिलिटी आ जाए, मतलब जो मुझे पहले राइट पता है डेफिनेट हूँ जिसमें,
और उसमें पॉसिबिलिटी आए तो गलत कर देगा, तो पहला वाला ही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो, ऑल एम आर एन इसी तरीके से बनेगा, मैंने बता दिया। ऑल के बाद जो वेरिएबल लिखा होता है उसका छोटा सर्कल और बाद का बड़ा, और फिर कहता है नो एन, बाहर से पता है नेगेटिव। देखो ये स्टेटमेंट कर चुके हैं पर नीचे कंक्लूजन चेंज है, ध्यान देना। देखो कहता है ऑल एम आर टी, कहता है सारे एम क्या टी हो सकते हैं, गलत बात है ये तो भाई। और कहता है सम एन आर नॉट टी, हाँ बिल्कुल सही है। देखो एन का ये वाला पार्ट टी के पास नहीं आएगा सेकंड लिस्ट को। देखो शायद ये ना दोबारा दोबारा क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं कर लेते हैं इनको दोबारा रिवाइज हो जाएगा। देखो ओनली अ फ्यू का मतलब इस तरीके से होता है, ओनली अ फ्यू, तो देखो दोबारा रिवाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब बोल रहा है नो ए इज बीइंग ई सी, तो ये देखो नहीं पता ना सर्कल दूर है, और नो एटलीस्ट सम ए इज सी, तो देखो उसको दोबारा रिवाइज करवा लेता हूँ क्योंकि अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा ना। आइदर ओर का केस, आइदर ओर का केस क्या कहता है, दो वेरिएबल दूर दूर पर हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है पता मुझे, ठीक है ये सबसे पहली कंडीशन होती है, शायद पिछली बार में नहीं बताई थी, तो ठीक है ये कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कहलाती है, दो स्टेटमेंट होना चाहिए, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऊपर नीचे हो सकता है। एक में ऑल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मतलब 100% वाली, एक में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए 100% से कम, और पहला जो एलिमेंट होता है ना मतलब जो ए से स्टार्ट है तो सी पे खत्म है, ए से स्टार्ट है सी पे खत्म है, ये होना चाहिए। अब देख लो पहला, देखो दोनों का सबसे पहले क्या चेक करूंगा, दोनों सर्कल दूर दूर है, बिल्कुल सही बात है। एक पॉजिटिव नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और क्या एक के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन है, एक के बाद में 50 या 50 मान लो मतलब 100 से कम है, और क्या कहता है ए से स्टार्ट हो रहा है सी पे खत्म हो रहा है, ए से खत्म, तो उसमें आइदर और का केस लगेगा। ठीक है अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखो क्या है ओनली डी इज बी, तो देखो ओनली का कैसे आएगा ऑल डी इज बी, तो इस तरीके से बनता है, और नो डी इज के, पहला बोलता है सम बी आर नॉट के, देखो बी का ये वाला पार्ट के नहीं होगा, बिल्कुल सही है। और बोलता है ऑल के, देखो ऑल के क्या बी हो सकते हैं, देखो बी ने के बारे में कुछ नहीं बोला, ये दोनों दूर हो रहे हैं, ये भी सही, दोनों सही हो जाएंगे। शायद गलती से दोबारा दोबारा आ गए मगर कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते समय हो गया होगा। देखो क्या है सम आर इज टी, और बोलता है नो टी इज के, हमारा रिवाइज हो गया दो दो बार जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आया। देखो अब क्या बोल रहा है, पहले बोलता है ऑल के, ये वाला के क्या आर बन सकता है, देखो टी और उसका पता है मुझे के का, आर से टी के पास चाहे तो ये पूरा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। पर कहता है ऑल आर क्या के हो सकते हैं, देखो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव ही है ना, ये तो मना करा है, देखो टी और एम के पूरा नहीं होगा, टी और के कभी पूरा नहीं होगा, और बोला था जो आर है ना आर, आर और टी कॉमन है पार्ट, तो ये पार्ट कॉमन आ रहा है सम है, तो ये तो ऑटोमेटिक जब ये पूरा नेगेटिव है तो आर का पार्ट भी तो ये नेगेटिव हो गया, जब आर का पार्ट ये नेगेटिव हो गया तो देखो ये वाला पार्ट है ना इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर इसने पूछ लिया कि सारा आर क्या के पास जा सकता है, गलत बात है, सारा नहीं जाएगा ये नहीं जाएगा, तो उसमें पहला आंसर होना चाहिए। ठीक है ये देखो बंदा, देखो इस तरीके से ये क्लास यहीं पर एंड करेंगे। देखो जो आज की क्लास थी ना, देखो उसका पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ ये है टेलीग्राम चैनल का नेम, यहाँ से मिल जाएगा, और साथ में क्या करना ये देखो यूट्यूब चैनल है, वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है देखो अब मैंने क्या इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देखो क्या है इसके अंदर जो मैंने आज कॉन्सेप्ट कराया ना, काफी स्टूडेंट को तो आते होंगे क्योंकि इजी टॉपिक है। ठीक है पर 100% हर किसी के नहीं आए होंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है सम सम नोट में, तो क्या करना है इसको ना दोबारा रिपोर्टेड देख लेना, और क्या करना है साथ में देखो जो कॉन्सेप्ट बताया उनको करना, ये 10 क्वेश्चन कर लेना। अभी मैं देखो काफी क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है इसके और क्वेश्चन लेके आऊंगा अगली क्लास में, शायद 10 क्वेश्चन हो रहे हैं फिर और करेंगे और समझेंगे।